इसी श्रृंखला में मैं एक और लीडर को बुलाने वाला हूं। उन्होंने भी एक एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस की शुरुआत करी और लगातार इस सिस्टम में उन्होंने अपने कैरियर को देखा है और पूरी दमदारी पूरे जोश और जुनून के साथ उन्होंने कसम खाई है कि वो दिन आने वाला है सबसे कम उम्र का डायमंड मैं बनकर दिखाऊंगा। और ऐसे दमदार लीडर को हम आपके बीच में बुलाने वाले जो आज रूरी की रिकॉग्निशन लेने वाले हैं। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम एज ए रूरी लीडर मिस्टर प्रवल प्रताप से। नमस्कार, आप सभी लोगों को साल 2017 का आखिरी दिन मुबारक हो और एडवांस में अगले साल का पहला दिन भी आप सबको मुबारक हो। मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह और मैं शिकोहाबाद से। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, तो समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत मैंने करी तो मैं एक स्टूडेंट था और 2009 में मेरी हाई स्कूल हुई, 2011 में मेरी 12th हुई और लास्ट ईयर पार्ट टाइम में मैंने बीकॉम एमकॉम क्वालिफाई किया है। और सच बताऊं तो ये बिजनेस में आने से पहले या बिजनेस में आने के बाद पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और घर वाले बहुत परेशान रहते थे, ये पढ़ता नहीं है तो करेगा क्या, घर वाले बैठे हैं ऑलरेडी और सब परेशान रहते थे करेगा क्या। लेकिन ना पढ़ने के बावजूद भी नंबर अच्छे आते थे, ये बात भी घर वालों को मालूम है, किस्मत अच्छी थी। हाँ ये बात भी सही है, मुलायम सिंह जी का भी आशीर्वाद रहा। लेकिन 12th मैंने मायावती जी के आशीर्वाद से की है।
आठ नंबर से रह गई थी फर्स्ट डिवीजन। लेकिन दोस्त जिंदगी में सपने बहुत बड़े थे पहले से, ये बिजनेस में आने से पहले सोचते थे कभी किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा, पहले से ऐसा सोचते थे। और कहा जाता है किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है और वो चीज आपको मिल जाती है। यस या नो? और वो चीज हमको मिली, और वो चीज किसी और के माध्यम से नहीं मिली। ये बिजनेस में आने से पहले हम चार पांच लोग खड़े हैं यहाँ पे, और चार पांच लोग बड़े मजे से क्रिकेट खेलते थे। छोटा सा आंगन है, आंगन नहीं उसको बोलेंगे लॉन, लॉन इतना सा लॉन है, उसमें छक्का चौके लगाते रहते थे, घरवालों को मालूम है। और ऐसे करके हम लोग रहते थे एक साथ, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हम लोग परमानेंट एक साथ रह लेंगे। चूंकि अगर मैं कुछ और करता, ये बिजनेस ना करता, तो हम लोग अलग अलग हो जाते, होते कि नहीं होते। लेकिन ईश्वर ने मौका दिया कि एक साथ रहने का। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि आप लोगों ने मेरा जिस तरीके से स्वागत किया, सम्मान दिया, जो वेलकम किया, जितना प्यार दिया, बेसकीमती है ये प्यार, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतना अच्छा सम्मान दिया। और बड़ी बात यह है मेरे लिए कि हमारे मम्मी पापा आज मौजूद हैं इस हॉल में, और आने की प्लानिंग नहीं थी मम्मी की, तो मना भी कर दिया था कल तो, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के सुबह गाड़ी लेके गया, नहीं चलना है तो चलना है, सही है। और लेके आए तो उनका आशीर्वाद मिला आज के इस फंक्शन में, बहुत खुशी हो रही है। तो माँ बाप का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उनकी वजह से इस धरती पे आए, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात, अपलायन इतने दमदार थे कि उन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन करा दिया, और इस बिजनेस में कोई किसी और ने ज्वाइन नहीं कराया, हमारे रियल चाचा जी डॉक्टर स्वराज सर ने कराया, जो आपके बीच में भी बोल के गए। और इस बिजनेस को करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे अपलायन हमारी छाती पे बैठे रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे। मीटिंग में चलो, फंक्शन में चलो, यहाँ चलो, दिशा में चलो, ये चलो, वो चलो, चलना पड़ता था। 17.5 साल की एज थी, 1996 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 96 में मैं पैदा हुआ, और करेंट में 22 साल का पूरा नहीं हुआ हूँ, फरवरी में 22 साल का हूँगा। लेकिन इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है, टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत कुछ दिया है। मतलब ऐसे कॉलेज से बीकॉम करी हमने जो मोस्टली करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन घरवाले करने नहीं देते, समझ रहे हैं। शिकोहाबाद से हूँ तो वहीं से मैंने बीकॉम करी, और बीकॉम ऐसे कॉलेज से करी जहाँ पे समझ जाओ अखिलेश जी की सरकार में कर डाली है ना, तो बहुत बढ़िया रहा। 5 साल में 3 दिन जाते थे हर एक साल, एक दिन एडमिशन लेने जाते थे, एक दिन पेपर देने जाते थे, एक दिन मार्कशीट लेने जाते थे, दे दो भैया मार्कशीट, सही है। और ऐसे करके 5 साल गुजर गए, लेकिन उन 5 साल के बीच में सेफ शॉप भी थी, और सेफ शॉप का दामन हमेशा पकड़ के रखा, अपलायन की बात को हमेशा माना, कभी भी विरोध नहीं किया, कभी मना नहीं किया। लोग कंडीशन लगाते हैं, कभी भी कंडीशन नहीं लगाई, पूरी सच्ची श्रद्धा से काम किया, और काम तो प्रबल को करना था। यस या नो? चाहे तो खेती कर लेता, चूंकि किसान के बेटे थे, पढ़ने मन नहीं लगता था, तो फिर खेती करते, भैंस का गोबर डालते और पता नहीं क्या क्या करते। यस या नो? खेती नहीं करते तो नकल वाले कॉलेज से करी थी बीकॉम एमकॉम, नौकरी लगने वाली थी नहीं, हालत खराब थी, राजश्री का खोखा खोल लेते, सही बात है। यस या नो? जी सर, जुगाड़ भी लग गई थी, चलो वो बात भी सामने आ गई तो बता देते। पापा जी ने जुगाड़ लगवा दी थी कि दे देंगे थोड़ा बहुत पैसा, बस में कंडक्टर की जॉब भी कर लेना। तो लेकिन हमको मंजूर नहीं था, चाचा ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं करेंगे, कुछ और, कुछ और। क्योंकि भैया जब भी हम पैसे लेने जाते थे गांव में कि पापा पैसा दे देना, स्कूल की कॉलेज की फीस जमा करनी है, 5000 रुपये चाहिए, पापा खोल के दिखा देते, बेटा पैसे ही नहीं है। यस या नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये सच बात है, पोस्टपोन किया जाता है कि बेटा आज पैसा नहीं है, 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, आलू पक जाने दो, पैसा आ जाएगा। लेकिन आलू की कंडीशन इतनी खराब कि 4 साल पहले आलू किया, घाटा,
तीन साल पहले आलू किया घाटा, दो साल पहले आलू किया घाटा, इस साल आलू किया घाटा, और अब भी अगली साल करेंगे तो आलू। यस या नो? ये सच्चाई है, कभी पैसा हाथ में आया नहीं, लेकिन दोस्त ये बिजनेस ने हमको बहुत कुछ दिया। कभी बोल नहीं पाता था कि दो लोगों सामने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बहुत कुछ सिखाया, ट्रेनिंग ने बहुत कुछ सिखाया। लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का दामन नहीं थामते हैं, उसको छोड़ के साइड में चलते हैं, ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं, फील्ड पे चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो काम करना होता है वो करते नहीं है। यस या नो? लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा सिस्टम को पकड़ के रखा, जिस वजह से जिस लड़के की कभी औकात नहीं थी कि दो लोगों के सामने भी बात कर लें, लेकिन आज औकात है, 1000 लोगों के सामने बात कर रहा हूं, 1000 लोगों के सामने। ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने दिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिया, सिखाया कैसे बोला जाता है, कैसे मिला जाता है लोगों से, कैसे काम किया जाता है, मेहनत कैसे कहते हैं। जिंदगी का पहला पैसा सेफ शॉप से कमाया है, उससे पहले कुछ नहीं किया, ना नौकरी करी ना खेती करी ना कुछ नहीं किया, पहला पैसा सेफ शॉप से कमाया है। यस या नो? और 4.5 साल लगे, मैं आपको बताता हूँ, 4.5 साल में मैं रूबी बनाऊ, एज छोटी थी और लोगों के लिए बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है उनकी एज। यस या नो? और मेरे लिए मुझे लगता था कि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन आज समझ में आता है कि ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, ये तो मेरी पावर है, और लोग इसी पावर की वजह से मोटिवेट होंगे और वो भी डायमंड बनेंगे। यस या नो? बनेंगे वो भी डायमंड। छोटी एज थी, जाते थे अपने लोगों के पास, दोस्त के पास जाते थे, कल ले भैया मीटिंग प्लान में आ जा, सुनता ही नहीं था, भाग जाता था, आता ही नहीं था। बड़े बुजुर्गों के पास जाते थे, हम तो 17 साल के, वो 36 साल के। अब 17 साल का लड़का अगर जाएगा इतनी बड़ी एज के सामने तो क्या बोलेंगे, बेटा ये बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हो गए, फंस गए हो, कट गए हो, किसी को कटा मत, काट मत देना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ हुआ, लेकिन सब लोगों को फेस करते हुए हमें मालूम था कि प्रबल तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एक ही है, सेफ शॉप, काम कर ले दमदारी से, डायमंड बन जाएगा। यस या नो? और बस यही काम किया है, आज जिंदगी बन गई, दमदार वाली कार है, कभी टेम्पू में लटक लटक के जाते थे गांव में, आज की तारीख में 8.5 लाख रुपए स्विफ्ट डिजायर कार से बिजनेस को करते हैं। मौसम मुट्ठी में, सपना था कभी गांव में जाते थे, नानी घर पे जाते थे छुट्टियों में, कहाँ जाओगे, नानी घर चले जाओ, लेकिन दोस्त बिजनेस ने सपना पूरा किया कि 20 साल की उम्र पर प्रवल प्रताप सिंह विदेश घूम के आया, विदेश घूम के, भाई बोल रहे जनरल के डिब्बे में सफर करते थे, सच बात है जनरल के डिब्बे में करते थे, प्रवल प्रताप सिंह 20 साल की एज से इस बिजनेस की वजह से एसी में ही सफर करता है और किसी कोच में सफर नहीं करता है, एसी कोच में सफर करता है, और लाइफ सेट हो गई। और लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, मैं सच बोल रहा हूं, प्रवल प्रताप सिंह इस बिजनेस की वजह से 1,00,000 रुपए महीने कमाता है, 1,00,000 रुपए महीना आता है इसी बिजनेस से। और जिस तरीके से आज महागुरु जी पूरी कंपनी में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल है किसी के, तो पहला नाम अगर महागुरु जी का आता है तो विश्वास दिलाता हूं आप सब लोगों को कि अगला नाम अगर कोई आएगा तो प्रवल प्रताप सिंह का आएगा, सबसे कम उम्र का डायमंड इस बिजनेस में निकल के आएगा, सबसे कम उम्र का मरकरी क्राउन क्राउन एम्बेसडर बन के आएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों बीच में आके। और 2018 में रोकड़ा पीटना है, अब क्या पीटना है, 70 लाख रुपए कंपनी में जमा है, 70 लाख उसको कैश करना है, आ जा अंदर अकाउंट में आ जा। Thank you very much. Wish you all the best and good diamond.